सो गाइस मैं अभी मॉर्निंग सवेरे इंजेक्शन लगाने के लिए आई हूँ। आज मेरा लास्ट डे था तो अभी मैं जा रही हूँ। सो गाइस मैंने अभी सुबह लगा लिया है, इतना स्मार्ट से, और अभी पेन नहीं हुआ है जैसा वाला नाटक किया, लेकिन पेन तो हो रहा था मुझे। आई एम स्ट्रॉन्ग गर्ल। सो गाइस फाइनली मेरा लास्ट इंजेक्शन खत्म हो चुका है और देख सकते हैं मेरा फेस पूरा सूजा हुआ है। मैं सुबह सोकर उठ के आई थी। अंकल कितना कितना ये क्या है का फिटी कॉलेज? हाँ तो यहीं तक ही सिर्फ आ सकेगा। आँख कैसे खुल गया वो मेरा? मेरा भी, मुझे भी नींद आ रही है, मुझे भी अभी रोजा रखना है। समझ गया ना मैंने क्या समझाया? वहाँ पर जाएगा ना, यहाँ से कहाँ से जाएगा? इधर से जाएगा ना। जा 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 चल। सोरिया जा रही है फाइनली अपने घर और मैं छोड़ रहा हूँ उसको एयरपोर्ट। और ये डर रही है, पहली बार जा रही है ना, इसलिए। सो गाइस मैंने ले लिया है टिकट। खाने के लिए पढ़ाई करता है? नहीं, जॉब करा दिल्ली में। ये तो आपका? हाँ तेज में। हम मेडिकल कॉलोनी। मेडिकल में? हाँ तेलुगु का पीछे तरफ में। अच्छा अच्छा जी, अभी पूरा वेटिंग करना पड़ेगा। इतने सारे लोग यहाँ पर है और अब मैं ऐसे कुछ कोल्ड ड्रिंक्स ले रही हूँ और ड्राई केक लिया है। जा रही हूँ, फर्स्ट टाइम है मेरा अकेला ऐसे जाने वाला और मेरा फ्लाइट भी फर्स्ट टाइम है। बहुत ज़्यादा अब ना आंसू भी निकल गया था वो जब जाते समय वाली, मैंने बहुत कंट्रोल किया और वहाँ पर फिर मैं वीडियो नहीं बना पाई।
एक एक्साइटेड मैन भी है जो कि मैं घर जा रही हूँ बहुत दिनों बाद, और मेरा अंदर दुख भी है क्योंकि इतना टाइम साथ में बैठ बैठ के फिर अभी और ट्रैवलिंग भी अकेला अकेला कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। लेकिन कोई बात नहीं, उसका रमज़ान स्टार्ट हो गया अब, वो रमज़ान वो लोग मुझे नहीं पता इतना, तो अभी उसमें वो बिजी हो जाएगा। तो रमज़ान ख़त्म होने के बाद अगर मैं होम टाउन से जल्दी जाती हूँ तो ठीक है, या फिर 2 मंथ के बाद फिर होम टाउन जाऊँगी। तो गाइस अभी मैं अंदर जा रही हूँ, डिब्रूगढ़ पहुंच गई हूं और अभी थोड़ी देर के बाद मैं पहुंच जाऊंगी अपने होम टाउन। पूरा बदन ऐसा बॉडी पेन हो रहा है ना यार, मम्मी भी मुझसे मिलने आएगा। जो है पहुंच गया, नहीं चाहिए हम भी देखेंगे आप लोगे मेरे पास। तो मेरा दोस्त, मेरा बेस्ट फ्रेंड मिलने के लिए आए मुझे डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ बोलते हैं तुमसे क्या, बहुत बिजी है। और एक बार जय ओम बोलो। सो गाइस फाइनली मैं पहुंच गई हूँ, मेरा भाई मुझे लेने आया है। मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया। सो गाइस मेरा बैटरी स्विच ऑफ हो गया था, तो फिर मैंने चार्ज किया। मैं नहा धो के अभी आई हूँ, मम्मी को सरप्राइज दूंगी गाइस। मम्मी को बिल्कुल पता नहीं। की दुकान खोल देगा उधर मेरी चाची मेरी मम्मी है, मैं मम्मी हूँ वो चाचा है। तो आप चाचा है, मैं कैसे हो गया, कैसी बहुत पतली हो गई, बहुत पतली हो गई ना, इतना खाता है ना, एकदम स्लिम हो गई, बहुत स्लिम हो गया ना। आई नॉर्मल से बात कर रही हूं ना, आंटी के लगा यही होता है जब हो गया ना फोटो जैसा मोटी आकृति बराबर लग रहा है लगता है। किसी किसी बात बोल दी गई। सो गाइस मुझे बहुत भूख लग रहा है, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, तो अभी मैं मम्मी का हाथ का खाना खाऊंगी। तो कैसे बनाता है वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब। सो गाइस मैंने अपनी मम्मी को मिल लिया है, और मैंने बहुत सारा क्या क्या खाया मैं नहीं दिखा सक रही थी क्योंकि बहुत सारे फिर कस्टमर्स थे आ गए थे। हमारा छोटा मोटा सा दुकान है यहाँ पर, और तारीफ भी करते हैं लोग मेरी मम्मी की हाथ की। यहाँ हमारा यहाँ पर सबसे फेमस मेरी दुकान में थुप्पा बहुत लोग पसंद करते हैं गाइस। और मेरा स्कूटी इतना खराब हो गया गाइस, अभी दिमाग खराब हो रहा है मेरा। उसके बाद मैं सो ही नहीं हूँ, तो और एक मेरा फ्रेंड कॉल कर रही है कि आजा एक बार देख लेती हूँ तुझे कैसी हो गई। सब मुझे बोल रहे थे यार इतना पतली हो गई यार, ऐसे बोल रही तो बिना जिम की पतली हो गई। बहुत खुशी लग रहा है मुझे, लेकिन मुझे पता है ना बदन में बिल्कुल खाना पीना नहीं है मेरा, टाइम टेबल की। जैन भी पतला हो गया, मैं भी पतली हो गई। जैन को भी लोग जब रियल में देखते, अरे आप तो पतली लगती हो रियल में, तो ऐसा बोलते हैं उसको। वही हो गया अभी हम दोनों, और अभी उसे रमजान की वजह से हम दोनों का बात नहीं हो रहा है। तो वो इतना ज़्यादा हाँ, तो वो बोला है कि बाद में मैं तुझे कॉल करता हूँ फ्री होने के बाद। अब मैं बात नहीं कर सकता, वो उसका वो रोज़ा ख़त्म होने के बाद वो मुझसे बात करेगा बोल के बोला है। तो मैंने बोला ठीक है, लेकिन ना मेरा मन अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि 24 आवर्स बात करते हैं, फिर साथ में रहते थे, आ जा मैं चली जाती हूँ। तो ना अभी इतना दिन साथ में बैठने के बाद ना अभी ना मेरा मन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है गाइस।
बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों गाइज मैं अभी आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मैंने दिखा दिया है आप लोगों को, मैं होम टाउन पहुँच गई हूँ। तो अभी नेक्स्ट ब्लॉग आई होप अच्छा हो मेरा। अभी वेदर थोड़ा सा क्लाउडी है, आज का वेदर बहुत ठंड है, मुझे ठंड लग रहा है। मैं स्वेटर पहने जा रही हूँ, फिर मेरा बैटरी भी नहीं है तो मैं फ्रेंड को मिलने जा रही हूँ मेरे भाई के साथ। उसके बाद अभी मैं यहाँ ब्लॉग ख़त्म कर रही हूँ गाइज, तो मिलते हैं अभी मेरा नेक्स्ट ब्लॉग पर। और अभी आप लोगों को अभी मेरा यहाँ का मेरा होम टाउन का ब्लॉग देखने को मिलेगा। अभी नया नया मैं अभी अपडेट देती रहूँगी, डालती रहूँगी, जहाँ जहाँ मैं जाऊँगी घूमूंगी अभी वो सब। तो अभी मेरे पास एक महीना है, अभी मुझे फुल वीडियो बनाना है और अपना जगह में थोड़ा दिन अभी अच्छे से बैठना है अपनी फैमिली के साथ। फिर वापस मैं दिल्ली चले जाऊँगी। इसको ना इतना तकलीफ होता है गाइस सच में एडिट करने के लिए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर, तब तक के लिए बाय बाय।